हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू री फैशन। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यू हर्ब्स का विटामिन ई प्लस विद आमंड ऑयल कैप्सूल। इसे मैंने अलग से ऑर्डर नहीं किया था गाइस, मैंने न्यू हर्ब्स का कोलेजन बूस्टर पाउडर ऑर्डर किया था जिसके साथ मुझे फ्री मिला है। तो मैं इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग की गाइस। तो मुझे ये जो कैप्सूल्स है इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में रिसीव हुई है, तो पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी थी। और नेक्स्ट हम बात करें इसकी डिटेल्स की, तो इसके फ्रंट में इसकी सारी डिटेल्स है। इसमें आपको टोटल 30 कैप्सूल्स मिलते हैं और इसके फ्रंट में आप देख सकते हो एक्सपर्ट का नंबर दिया हुआ है। आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। प्लस इसके बैक में इसके सारे इंग्रेडिएंट्स प्लस इसकी सारी डिटेल्स है कि इसको किस तरह से कंज्यूम करना है, प्लस किसे कंज्यूम नहीं करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करती है कोई मदर, या फिर किसी को एलर्जी है, तो ऐसे लोग प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसे कंज्यूम करें। इसकी MRP 499 रुपीज़ शो होती है, बट आप इसे ख़रीदने जाते हैं तो 369 में आपको मिल जाएगा। 1 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है और ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। सो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। ये स्किन और नेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छे कैप्सूल्स है। इसके जो विटामिन ई है सनफ्लावर से रिसीव होता है, इसमें लिखा हुआ है। मैंने इसे 1 महीने तक यूज़ किया है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। आपके फेस पे जो भी सन डैमेज है, फाइन लाइंस है, डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस, सभी को रिड्यूस करता है और आपके जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है उसको भी रिड्यूस करता है। आप इसे खाने के आधे घंटे बाद डेली एक कैप्सूल कंज्यूम कीजिए और जस्ट इन अ वीक आप अपने फेस पे चेंजेस देख पाओगे। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ और इसके लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।